आरबी लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल असलम। लास्ट टाइम हमने जो है वो इवन और ओड फंक्शन देखे थे। अब पैरामेट्रिक इक्वेशंस के रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी 1.1 का, उसको हम देखेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती क्या हैं। अब सम टाइम ना कोई कर्व होती है आपके पास, आप कर्व को क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स या वाई, दो वेरिएबल को तीसरे वेरिएबल की, टी या थीटा कोई भी तीसरा वेरिएबल है उसकी फॉर्म में आप लोग उसको क्या करते हो, डिस्क्राइब। सिंपल वर्ड में किसी कर्व को डिस्क्राइब करना है उसके दो वेरिएबल एक्स और वाई को किसी तीसरे वेरिएबल की टर्म में, टी थीटा वो कुछ भी हो सकता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है आपने शो करवाना है कि ये दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन है पैराबोला की। चैप्टर नंबर 6 पैराबोला के रेलेवेंट है, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, पैराबोला सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। अब पैराबोला सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस हमने देखना है कि ये दोनों इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये पता कैसे चलेगा, इन दोनों की मदद से हमने ये बनाना है। अगर इन दोनों की मदद से ये बन गया तो इसका मतलब है ये दोनों इसकी क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ये दोनों इसकी क्या बन जाएंगी, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो हम इन दोनों की मदद से इसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो इनको नाम दे देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, और इसको नाम दे रहे थे इक्वेशन नंबर 2, y इज इक्वल टू 2at, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहां पे आप लोग देखो आपको t नजर नहीं आ रहा, तो हमने t को एलिमिनेट करना है, यहां से हम t की वैल्यू निकालेंगे, यहां पुट कर देंगे, यहां से हम t की वैल्यू निकाल कर यहां क्या करेंगे, पुट, t एलिमिनेट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, पैराबोला। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से हम t निकालेंगे, ये 2a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या बनेगा, t इज इक्वल टू y ओवर 2a, यहां से हमने t की वैल्यू निकाली। अब t की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट t इज इक्वल टू y ओवर 2a इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो 1 है x इज इक्वल टू a, t की जगह पर आ जाएगा y ओवर 2a का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ए वाई स्केयर ओवर 4a स्केयर, ये a स्केयर से कट गया, पीछे बचेगा x इज इक्वल टू वाई स्केयर ओवर 4a, ये 4a इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो आपके पास बनेगा y स्केयर इज इक्वल टू 4ax, तो यही हमें चाहिए था। दोबारा से सुन लो, हमने क्या किया है, दो इक्वेशन है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दिया 2, हमने इन दोनों की मदद से पैराबोला की इक्वेशन बनानी है। यहां से मैंने t निकाला, 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो t स्क्वायर है, तो y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, a स्क्वायर a से कट गया, स्क्वायर a से कट गया, ये बचा 4a, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये बन गया आपके पास पैराबोला। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। फिर थर्ड है, तीन पार्ट है इसके, थर्ड पार्ट है, सेकेंड और थर्ड मिलते जुलते हैं, इसलिए ये अगर आप कर लेंगे तो आपको उसका भी आइडिया मिल जाएगा, साथ ही इसका एंड में बता दूंगा। ऐसे ही जैसे मैंने इधर दो पैरामेट्रिक इक्वेशन से ये बनाया, अब ये दो इक्वेशन है, हमने शो करना है कि इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, यानी ये दोनों इसको रिप्रेजेंट करती हैं, दोनों की मदद से इसको बनाना है हमने, तो इनको नाम दे देते हैं, इसे नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 2 का। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 से ये इधर आपको नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, यानी एक्स ओवर ए बराबर हो जाएगा सीकेंट थीटा। मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 से मैंने ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बना। ऐसे ही ये इधर से इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, अब इक्वेशन नंबर 2 से यहां पर आप देखें कि b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बनेगा हमारे पास, y ओवर b बराबर है टेंजेंट थीटा, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। यहां से क्या किया, a मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया, 2 से हमने क्या किया, b मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। यहां आपको माइनस नजर आ रहा है तो दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड 4, 3 और 4 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस हो जाएगी और राइट में से राइट,
अब इससे पहले एक काम आपने मजीद कर लेना है, आपको नजर आ रहा है स्केयर भी है, तो पहले इन दोनों का स्केयर ले लो। तो यहां एक चीज ऐड करो, स्केयरिंग एंड, यहां एक चीज ऐड कर लो, स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। पहले आप स्केयर लेंगे, बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों का स्केयर लेंगे, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, इसके स्केयर में इसका स्केयर ऐड होगा लेफ्ट राइट वाले में, यानी प्लस वाई स्केयर सब्ट्रैक्ट होगा माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर। दोबारा से सुन लो हमने क्या किया, यहाँ पे दो इक्वेशन बनाई, इन दोनों का स्केयर लेके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका स्केयर लिया एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, तो ये इसके स्केयर सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इसके स्केयर में से सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा, इसके स्केयर में, इसके बाद आपको पता है कि ये फार्मूला, एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर हम एक फार्मूला लिख लेते हैं जो आपको याद होगा, वन प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्केयर थीटा के, ये आपको याद है। अब टेंजेंट स्केयर थीटा इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी वन इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा। तो ये चीज़ तो आपको नजर आ रही है, यहाँ पे है, तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, वन। तो ये बनेगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर बराबर है वन। तो ये हमें किसकी फॉर्म मिल गई है, एलिप्स की। तो हमने यही शो करना था कि ये दोनों किसकी, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एलिप्स की। तो हमने इन दोनों की मदद से क्या बना दिए, एलिप्स। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे होंगे। मजीद अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।